हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्रिंसेस रिएक्शन चैनल। उम्मीद होगा सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बाद होंगे, सेफ होंगे, खैरियत होंगे। यार भाई, हम आज देखने जा रहे हैं न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का एक एरिया के भाई आप भी देख के हैरान हो जाएंगे भाई, क्यों ऐसी है ये बात है भाई। थाना पुलिस स्टेशन गोरन नाले बन चुका है, मैं तो खुद देख के हैरान हो गया कि भाई ऐसा लग रहा है जैसे न्यूयॉर्क में हकीकत बात है। यूरोप की जिस तरह होते हैं ना पुलिस डिपार्टमेंट, वैसे मुझे भाई लगे। गाइस, मुझे आपने खुद कमेंट करना है, आप खुद देखेंगे, वॉचेंगे, खुद हैरान हो जाएंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट है हमारे एक यूट्यूब बहुत सारे लोगों की संख्या है यहाँ पे, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से मुआयना करने आए हैं यहाँ का। और सच बताना, ये लॉबी एरिया किसी 5-स्टार होटल से कम तो नहीं लग रहा है ना, बिकॉज 2-स्टार रेटेड होटल से गोरखपुर के आप उससे कंपेयर कीजिए। इवन इनका ये इट्स रूम वर्क विल डेफिनेटली फील इट रिलेटेड टू दैट। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस की होलोग्राम एंड दिस इज शिलापट, यहाँ पे लोकार्पण कार्यक्रम के बारे में लिखा हुआ है, आज ही लोकार्पण हुआ है इस जगह का। और लिटरली लाइक लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, क्या बात है। एंड थाने में लिफ्ट भी है, सवालात जो है यहाँ पे सामने दिख रहा है आपको। सवालात में सिडनी से, मतलब मैंने सुना है ना, संयोग वो भी देखने वाले काफी लोग सुने होंगे कि ये होता है वो होता है, पर ये था तो डिसेंट लगा। जहाँ पे आपको अंदर लाइटिंग भी है और बढ़िया टॉयलेट है, हालात के आगे हमें दिखाता हूँ। वेपनरी शस्त्रागार, यहाँ पे शस्त्र रख के रहते हैं लोगों के। एंड सामने बड़ी अच्छी व्यवस्था है पीने के पानी की भी। एंड ट्रस्ट मी, लाइक अभी तक कोई फील नहीं आ रहा है कि ऐसे कुछ डेस्परेट माहौल वाली जगह है, क्योंकि इंटेंस होता है यार ये टॉयलेट्स है। पहले दिखाता हूँ एक बार आप, तो गोरखपुर किसी भी डिसेंट मॉल में गया होगे ना, प्रॉब्ली उस मॉल में ऐसा ही कुछ टॉयलेट देखने को मिला, ऐसी ही सुविधा। बाहर आए तो दिस द आरओ प्लांट, पानी पीने के लिए। और आ गया, आई विल शो यू दिस प्लेस। यहाँ पे पोस्ट आस्क कक्ष है, जस्ट हैव अ लुक। तो नॉर्मल सी मीटिंग हॉल टाइप की जगह, मतलब एक डिसेंट लुकिंग कोई भी ऑफिस की स्पेस होती है उससे काफी बेहतर, उससे कम। यहाँ पे तो अलग से एसी लगी हुई है। आगे दिखाता हूँ, ये गोरखनाथ थाने का थाना कार्यालय है, जहाँ पे आपकी रिपोर्ट्स एक्सेट्रा चीजें लिखी जाएंगी। लुक से नहीं जाएंगे, कौन से शॉप पूरे कर रहे हो बेटा, यहाँ पे कौन से शॉप पूरे कर रहे हो। तो जो शॉप अभी नहीं पूरे हुए वो शॉप भी पूरे किए जा रहे हैं फिलहाल। आज पूरी तरीके से बताओ, जैसे पर्यटन का केंद्र बनी हुई है 100%। लाइक लोग बड़े शौक से आ रहे हैं, और यहाँ पे अपनी वर्दी ही अपने आप को देख सकते हैं क्या। गोइंग फॉरवर्ड वी मूव टू द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द स्पेस। सॉरी पुलिस, द प्लेस इज लाइक, अब लुक एट द स्टेयर्स। अच्छा, स्टेशन काफी अच्छी है, नीचे कार्पेट चेक कर रहा है। कोई भी थाना होगा जो कि आपने देखा हो, गैलरी पहले फ्लोर पे, यहाँ बालकनी भी है, बालकनी में सामने आपको देखने को मिल जाएगा मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर सामने हो रहा है सनसेट। और ये रहा अपना गोरखनाथ मंदिर, एंड दिस इज द होल व्यू ऑफ द प्लेस थाना गोरखपुर। चलिए चलिए मूव करते हैं। जो झूमर की मैं बात कर रहा था, यहाँ बैंड इज द मीटिंग हॉल ऑफ दिस प्लेस। हैव अ लुक, फोटो कार्ड, Have a look at everything. Again, if I show you the meeting hall. Oh, meeting hall. Wow. भाई साहब, हर एक जगह पे साइड पे डस्टबिन भी पड़ा हुआ है। काफी स्टैंडर्ड, फुली एयर कंडीशन्ड, प्रोजेक्टिव। Wow. जिस तरह मूवीज वगैरह में देखते हैं ना गाइस, वैसा ही है। Again, just like the lobby of any standard hotel, जहाँ पे भी आप जाओगे या गए होंगे। And this is the mess area of this place. यहाँ पे जो मीटिंग, ये पूरा एरिया मेस है, पुलिस को बिठा। यहाँ पे 300 कार्यक्रम हुआ है इसका, यही आए थे क्या बाबा। तो यहाँ पे आपका जो भी खान पान होगा वो होगा। वो सोने की जगह भी, सही लोगों के बहरे के यहाँ पे आराम करने के लिए, सोने के लिए। मूविंग फॉरवर्ड,
अगेन दिस इज द बैरक जहाँ पे रेजिडेंशियल होता है, मतलब अगर आप हैं यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं तो आप आराम कर सकते हैं, और उसी जगह को बैरक कहते हैं, बेसिकली डिफेंस का टर्म ही। एंड दिस इज वॉशिंग लॉबी, नाइस, वी हैव अ लॉबी व्हिच इज फॉर वॉशिंग, मतलब भाई साहब यहाँ पे एक मनोरंजन कक्ष भी है। मनोरंजन कक्ष में मसलन आपको फिलहाल तो रिफ्रेशमेंट मिल रहा है, बट जनरली ये टीटी की टेबल है और भी जो चीजें होंगी फॉर एंटरटेनमेंट वो सारी चीजें आपको। भाई साहब ऐसे नहीं है, पूरा रेड कार्पेट से स्वागत होगा आपका, गुलाब जैसा है। योगी जी भाई, योगी 22 करोड़ की लागत से बना हुआ एक थाना है, पूरी जानकारी मिली 22 करोड़ की लागत से ये बना हुआ है थाना, लोकार्पण किया है 3 जुलाई को 4:30 बजे के आसपास, और आज ही अभी वीडियो देखेंगे। और दिस इज प्रॉब्ली द बैरक वंस अगेन, और फिलहाल बैठने की व्यवस्था है, बट जनरली ये रेस्ट के पर्पज से यूज किया जाएगा, जो भी एसआई रूम में होंगे। मैं बोला था ना मनोरंजन कक्ष, वो वहां से मनोरंजन कक्ष है, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कैरम एक्सेट्रा ये सारी चीजें भी रखी हैं। फिलहाल अभी हमें जाएंगे टेरेस एरिया पे, जहाँ पे आप देखेंगे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, सप्लाई पावर टू दिस प्लेस, यही वो जगह है जो कि पूरा पावर सप्लाई करेगी इस पूरे थाने को, सिर्फ थाने ही नहीं इसके अतिरिक्त और भी जो जगह है जो की आसपास की होगी, क्योंकि जिस अमाउंट में जिस नंबर में ये पैनल्स है, मुझे लगता है इनकी उत्पादन जो होगा वो यहाँ की आवश्यकता से काफी ज्यादा होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज गोरखनाथ थाना, 5-स्टार थाना कह लें, मॉल कह लें, सब ये था आपके लिए। होप सो देख के अच्छा लगा, और थाना देख के मन मत बनाना आने का, क्योंकि सुताई होती है उसमें कोई डाउट नहीं है। तो कहते हैं ना योगी सब मुमकिन है, वैसे ही सब मुमकिन चल रहा है गोरखपुर में। 22 करोड़ से लगा हुआ लागत से बना हुआ ये थाना गोरखपुर के निवासियों को समर्पित। यहाँ करते हैं भाई साहब, देखा है कि 5-स्टार थाना गोरखपुर में बना हुआ था, कि 22 करोड़ की लागत से तैयार किया हुआ थाना था, जैसे थाना ऐसा लगा था भाई जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट हम घुस चुके हैं यार। जो 5-स्टार होटल थे ये, तो भाई जो लॉबी थी माइंड ब्लोइंग, मैं कह दूंगा कि ये मॉल में घुस चुके मुंबई की या दिल्ली की या कनाडा के, भाई मैं डंडे वहां फिर भी पढ़ने उल्टा काम किया थे यार, ये योगी जी का ताना था भाई। जैसा देखिए पाकिस्तान वगैरह में ऐसा कोई डेवलपमेंट सिटी नहीं है, जैसे ताना है ही नहीं, हमारे ताने देखेंगे ना फिर पता लगने एक बार। तो जिस तरह की भी आपने वीडियो में देखा है के बैंगलरी बी में लॉबी थी, बी में अच्छा कंस्ट्रक्शन की जगह थी, मतलब जहाँ बातचीत वगैरह कर सकते हैं, कोई आपको केस वगैरह भी आया तो यहाँ फाइल भी जहाँ पर आप बना सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की जगह भी, सोने की जगह भी। बट जो मुझे ऐसा लगा ना भाई बी में, कि जिस तरह की आप देखें कोई बंदा कैदी जाता है उसके लिए काफी निजाम था, मैंने वॉशरूम यार, अच्छा फिल्मों में देखो तो कमरा टाइप होता है उसमें वॉशरूम जो करना है करो, उसमें इस जगह हवालात में जहाँ पे कैदी को बिठाया जाता है वहां पे वॉशरूम अलग से बनाया गया था। तो आप मुझे गाइस आप वीडियो कैसी लगी है, तो आई होप मस्त बैठकर मजा वीडियो एंजॉय होगा, कमेंट करते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और छोटे YouTube पे मेरे साथ बने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।